मॉन्ट ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मेरा नाम है ऋतिक। फ्रॉम द पोलाइट के अलावा आज हम क्या बात करने वाले हैं ना, आज हम कुछ छोटी बातें बताने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आपका एग्जाम में बस 1 मंथ बाकी है। मतलब फरवरी के लास्ट में आपका एग्जाम है। तो आप एक ये जो महीना होता है ना, 1 महीना, वो बहुत ही क्रूशियल होता है कि आप इसमें ना क्या होता है ना कि आप अपनी प्रिपरेशन पर जो 1 साल मेहनत कर रहे हो आप, वो उसको आप खराब भी कर सकते हैं। 1 साल या 2 साल जितने भी मेहनत किए हो आप उसको खराब भी कर सकते हो, और वो जो 1 साल 2 साल आपने मेहनत करा है उसको और बूस्ट अप कर सकते हो। तो वो जो होता है हमारा ये महीना जो होता है वो बहुत, मतलब एक तो था ना, जैसे कि आपने सुना होगा एक कहावत कि अंत भला तो सब भला, मतलब अगर हमारा अंत सही है ना तो सब भला होता है। तो यही ये महीना जो है, यही महीना है जिसमें आप अपना जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना बूस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आप वो 99% पाने वाले हैं तो 99.5 99.7 तक पहुंच सके, और जो 98 वाले हैं वो 99 तक पहुंच सके। तो वो जो होता है ना हमारा, और ये अगर इसमें जनवरी फरवरी में वाले में अगर आपने अच्छा कर लिया मीन्स, तो आपको बहुत सारा टाइम होगा ताकि आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सके। तो एडवांस के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। बट अगर आपका ये फरवरी वाला अच्छा नहीं हुआ तो आप फिर मीन्स की तैयारी करोगे, मीन्स को सोचोगे कि पहले अपने को मेंस अच्छा करना है, तो फिर आपके पास एडवांस के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा। तो मैं आज वैसे ही कुछ कुछ बातें बताने वाला हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के वक्त करी, और जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी अपने कॉलेज के 6 बच्चे को लाया था अपने चैनल पे, जिन्होंने 99% से अब गेन करा है और अपने के इलाहाबाद में है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा जो जो हम बता रहे हैं स्ट्रैटेजी 1 मंथ के लिए, उसको हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला कैटेगरी वो होगा जिसकी प्रिपरेशन, जिसको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, मतलब जिसको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, जिसको लगता है कि नहीं यार कुछ बाकी है, मतलब कुछ पार्ट्स जो होता है ना हमारा बाकी है, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, किसी भी चीज का जो होता है ना हमारा कुछ पार्ट बाकी है। तो उसके लिए जो होता है हमारा कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी, और कुछ जिसका पूरा प्रिपरेशन हो गया है उसके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा, और कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी होगी जो दोनों को अपनाना चाहिए, ताकि जो होता है उनका प्रिपरेशन और अच्छा हो जाए और इसमें अच्छी रैंक और अच्छी नंबर लाए। तो पहले हम बात करते हैं ना कि जो अपन क्या सोचते हैं ना, जिसके पहले पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको लगता है कि हमारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है वो क्या सोचते हैं ना ये 1 महीने में कि तो हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है भाई, अपन वो मतलब ये 1 महीने का ना सोच लेते हैं, मस्ती मजाक में ले लेते हैं कि अपनी तो प्रिपरेशन हो चुकी है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट दे रहा हूँ मैं 240 नंबर आ रहे हैं, तो अब अपनी जे मेंस तो अच्छी ही होगी। बट ये 1 महीना जो होता है ना वो बहुत ही क्रूशियल होता है। आपको लगता हुआ कि हमको अगर अभी मेंस में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट अगर हम अभी रुक जाए मतलब कुछ और करने लगे, अच्छे से प्रिपरेशन ना करें, रिवाइज ना करें, तो आपके नंबर जो होता है कट जाएंगे और परसेंटाइल कट जाएंगे। तो उसके लिए जो होता है आपकी प्रिपरेशन ना खराब हो, जितना आपने 1 साल 2 साल 3 साल में मेहनत करी है वो खराब ना हो, उसके लिए ना आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एनडीए का जो टेस्ट अभ्यास है वो आप पूरा दो। मतलब 1 महीना बाकी है मान लो, और इसे 1 महीना बाकी है मान लो, तो आपको 1 महीना जो होता है हर रोज एनडीए का अभ्यास टेस्ट का जो होता है एक 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 पेपर देना है। उसके जो होता है फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने खुद दिया था, आप विश्वास नहीं करोगे, जो हम मेरे तो कोविड की वजह से पोस्टपॉन्ड हो रहे थे, तो जेई मेंस तो मैंने पोस्टपॉन्ड होने जब हो रहे थे तो उसके बीच में मैंने लगभग 75 से 80 टेस्ट एनटीए अभ्यास के दिए थे। पर तो आपके पास तो बस 1 महीना बाकी है, तो आप कम से कम 30 से 35 टेस्ट तो जरूर दो, कि हर रोज टेस्ट दो, जिससे क्या होगा ना आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने दिया 75 से 80 टेस्ट एनटीए अभ्यास के, तो मेरे को पता है उसके फिजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, एनटीए अभ्यास के फिजिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स का लेवल ऐसा होता है, केमिस्ट्री के लेवल ऐसे होते हैं, मैथ्स के लेवल ऐसे होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से, और अगर जहाँ पे आपको कमी लग रही होगी आप वहां पे और अच्छे कर पाओगे। दूसरी चीज आती है जिनका प्रिपरेशन अभी लग रहा है कि हमको कुछ कुछ बाकी है, मतलब ये चीज हमारा नहीं हो रहा, ये चीज हो गया बस छोटा सा चीज इसमें ये बाकी है या इसमें ये बाकी है, तो वो उनको जस्ट जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये बाकी है, आप वो क्या करो 2 दिन में 1 टेस्ट दो। हर रोज आपको टेस्ट नहीं देना, आपको 2 दिन में 1 टेस्ट देना, जिससे क्या होगा ना 1 दिन आपको बचेगा, आप उसमें क्या करो रिवाइज करो जो आपको बाकी है, जो जो चीज आपको लगता है कि
ये चीज हम पे, ये चीज जो था ना मेरा छूटा हुआ है, आप उसको क्या करो उस दिन में रिवाइज करो, और जो आपने आज टेस्ट दिया उसको देखो कि आपको वहां पे कितने नंबर आए और क्या गलती हुई, क्या क्या गलती हुई उनको सुधारो। उसके आंसर भी तुरंत मिल जाते हैं टी अभ्यास के, तो आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। और जो था ना हमारा, ये हमारा दोनों के लिए हो गया, जिनका प्रिपरेशन लगता है कि पूरा हो गया, जिनका प्रिपरेशन जो था हमारा थोड़ा सा बाकी है तो वो कर लो। अब जो होता है ना हमारा, जो जिनका प्रिपरेशन पूरा हो गया उनके लिए भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो आप एनसीईआरटी के जो लास्ट केमिस्ट्री के जो लास्ट चैप्टर सब है ऑर्गेनिक के, जैसे कि आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, फिर जो था मेडिसिन वाला जो चैप्टर है वो, और क्या बोलते हैं ये कार्बोहाइड्रेट जो है बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब आप ना एक बार दो बार तीन बार जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करो। क्या है कि ये रटने वाला चैप्टर है, डायरेक्ट ये रटने वाला चैप्टर है। आप अगर रटना छोड़ दोगे मतलब पढ़ोगे नहीं, एक बार पढ़ लिए आपको आप बोलोगे कि हमने तो पढ़ लिया यार हमारा हो गया, बट ये जो था ना रटने वाला चैप्टर है, आप जितना बार पढ़ोगे आपको उतना बार मतलब अगर छोड़ दोगे एक बार पढ़ के तो आप भूल जाओगे उस चीज को, तो उसको जो था ना आपको बार बार पढ़ना चाहिए। और जो था हमारा, कुछ ऐसी बातें होती है जैसे कि अगर हम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो हम क्या करते हैं ना, कि जो था हमारा ये मतलब क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार हमारा तो प्रिपरेशन हो गया, वो चीज नहीं करनी है आपको, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। और चीज क्या होती है, तो चीज की जब हम ये लास्ट जो मंथ होता है एक मंथ, उसमें क्या करते हैं ना हम लोग, ये मतलब दोस्त के कहने पे या किसी और के कहने पे, जैसा कि अगर हम फोन पे जो था ना ज्यादा टाइम देने लगते हैं, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि बहुत होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं कि फोन पे जिनका प्रिपरेशन हो जाती है पूरी वो फोन पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं, व्हाट्सएप इधर उधर, तो वो सब नहीं देनी है। बस आपको एक मंथ ऐसा है जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपकी मेंस फरवरी वाली मेंस बहुत अच्छी हो और आप एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ताकि आपको बहुत अच्छा टाइम मिले एडवांस के प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये मेरी रहेगी स्ट्रैटेजी एक मंथ के लिए जिनका प्रिपरेशन हो चुका है। और क्या होता है ना कि बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि जैसे कि आप अगर मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम ना कि कभी कभी क्या होते हैं कि प्यार वार का चक्कर होता है, तो क्या होता है ना कि अट्रैक्शन हो जाती है किसी एक से देख मतलब किसी अपोजिट जेंडर को देख के, तो ये सब जो होता है ना ये एक ही महीने में होने वाला होता है कि आप अगर अभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या आपके घर के बगल में या कहीं पे भी आप ऐसा देखो अट्रैक्शन था, आप उसको भूल जाओ, अभी एक महीना भूल जाओ, और उसके बाद फिर जो था अगर ये वाली अच्छी हो गई मेंस तो आप एडवांस की प्रिपरेशन करो, और फिर एडवांस तक के बाद जो कॉलेज में जब चले जाओगे आईआईटी में आप पहुंच जाओगे तब वहां पे आप करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए भी टाइम मिलता है, आप वो भी कर सकते हो, बट अभी जो होता है ना आपका मेन फोकस क्या है, मेंस अच्छा करना, एडवांस अच्छा करना, तो उस सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि जो था ना वो चीज बहुत खराब होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज हमको खराब भी करेगी और ये चीज हमको खराब भी करेगी, बट वो आपको खराब ही करती रहती है, आपको डाउन लाती रहती है। ये मतलब आपको कोई दोस्त भी बोलेगा भाई तुम ये गलत कर रहे हो उस चीज में, तो आप विश्वास ना करोगे कि आप बोलोगे नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, आप सही में गलत भी नहीं होता, बट क्या होता है ना कि आप जिस समय में कर रहे हो ना वो समय गलत है आपका, तो वो समय में नहीं करना आपको, और जो आप बाद में करो ना आप जेई का एडवांस का अच्छा से लाओ, अच्छी रैंक लाओ, उसके बाद फिर करो, कौन रोकने वाला है, बट अभी नहीं करनी है, अभी वो सब चीज होता है बहुत गलत होता है, आपको कहाँ से नीचे ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपना जो था ना, मैं ये नहीं कहता कि सेल्फिश बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बता दो, बट ये नहीं होना चाहिए कि अपना छोड़ के आप दूसरे को हेल्प ज्यादा कर रहे हो, मतलब अपना नहीं पढ़ रहे हो दूसरे को ज्यादा हेल्प कर रहे हो। मैं भी ये चीज कर रहा हूँ कि अपना छोड़ के मैं किसी दूसरे को ज्यादा ध्यान देता था, दूसरे पे ज्यादा देखता था कि इसका कैसा हुआ, मेरा प्रोफेशन ठीक है, मेरे जो बगल के हैं जो मेरे दोस्त हैं या जो भी हैं मैं उनका देखता था कि इनका हुआ कि नहीं अच्छा से, तो वो चीज सही है मतलब, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अपना भी होना चाहिए, ये नहीं कि पूरे टाइम अपने दूसरे के ही लगे हुए, वो गलत। मैं आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या होता है ना कि अपन अगर कोई मेरी दोस्त है या कोई भी है, आप अगर अपोजिट जेंडर के तो अपन क्या करते हैं ना, अगर उसके तरफ हमारा अट्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं पहले उसकी देखते हैं कि भाई उसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अपना कुछ भी है अपना ठीक है लेकिन उसका हुआ कि नहीं हुआ तो हम उस पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं, इससे क्या होता है ना अपना खराब हो जाता है, वो चीज अपने को नहीं करनी है, और अपने को अच्छे से प्रिपरेशन करना है।
और हम जो होता है कुछ दिनों में ऐसे वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कि जो आपको आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में जो पढ़ते हैं बच्चे जो इसी साल जेई 2020 का देखे जो था आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली पहुंचे हैं, मैं उनका इंटरव्यू करने वाला हूँ। उनका आपको वहां से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी जो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपके भी अच्छे नंबर आए मीन्स में और एडवांस में, ताकि आप भी वहां पे पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल आने वाली है। मैं बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि आपका बहुत अच्छा होगा। और मैं केमिस्ट्री के वीडियोज बनाता हूँ, तो आपको केमिस्ट्री में भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। तो नीचे में जो था मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया होगा, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे से पूछ सकते हो कोई भी दिक्कत हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करना और अच्छी मेंस में रैंक लानी है, और अच्छे एडवांस में भी अच्छे से रैंक लानी है, और बतानी मेरे को जरूर बतानी है कि भैया आपकी वीडियो देखा मैं और मेरे को इतनी रैंक आई है, ऐसा कुछ मैं कितना भी रैंक आया आपको बताना जरूर है। तो आप कितने नंबर ला रहे हो अभी, टेस्ट दे रहे हो अभी, तो कितने नंबर ला रहे हो तो वो भी बता सकते हो मेरे को कि भैया मेरे को इतने नंबर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, कि इस कॉलेज में मेरे को जाना है, इतना में हो जाएगा, तो आप वो सब भी पूछ सकते हैं, मैं सबका भी आंसर देता हूँ हर एक कमेंट का। तो आज के लिए इतना ही है रखते हैं, तब तक के लिए बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है।